नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट ग्राम पंचायत धनसुआ में नल जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन जगह जगह टूट चुकी है। वहीं देखा भी जाता है कि ग्रामीणों के द्वारा नालियों में अपने पालतू जानवर बांधे जाते हैं, जिससे वह पाइपलाइन और क्षतिग्रस्त हो गई। उसी पाइपलाइन में बाहर का गंदा पानी उस पाइपलाइन के जरिए लोगों के घर तक पहुँचता है और वह दूषित पानी पीने मजबूर होते हैं। इसके बावजूद पंचायत स्तर पर सरपंच प्रमोद बोरकर एवं सचिव चंद्रशेखर लिल्हारी के द्वारा सुधार कार्य नहीं करना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों ने बताया कि 3-4 महीनों से यह समस्या बनी हुई है और सरपंच प्रमोद बोरकर एवं सचिव चंद्रशेखर लिल्हारे को अनेकों बार इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन उनके द्वारा आज तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन पाचे धनसुआ, ग्राम पंचायत धनसुआ जी। मैं मरारमल समाज के उपाध्यक्ष हूँ जी। क्या समस्या है आप लोग की? हमको समस्या ये है, ये बड़े बड़े जब जैसे नल के पाइप जो है वो फट गए, जहाँ तहाँ से देखो वो पानी का डैम भर रहे हैं, वो पानी से हम उपयोग हो रहा है और बराबर हमको पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए अपन ने इसका कुछ हल हो जाए तो अच्छी बात है। हमारे माता बहनें बहू बेटियां इनको बहुत दिक्कत, उसे बीमार पड़ रहे रहते हैं, वहाँ पानी जमा होता है, बड़े बड़े गड्ढा कर दिए, वो गड्ढों में मतलब पानी जमा हो रहा है, वो पानी वापस उस पाइप में जा रहा है, उस पानी को हम उपयोग कर रहे हैं। कितने दिन से ये समस्या? ये तो अपने सरपंच सचिव के पास में शिकायत की है क्या? बराबर किए हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि भैया नल जल योजना वाले जो आए हैं उनने गड्ढा किए, वो भर के देंगे, वो पाइपलाइन करेंगे, हमारे उसमें कोई रोल काल नहीं है, ऐसा सरपंच साहब बोल रहे हैं। कौन है सरपंच? प्रमोद बोरकर जी। और सचिव? सचिव है हमारे मानेगा से कोई लारे कहते हैं, और शायद सचिव गांव की आराधना, मतलब आराधना क्या, क्या बोला जाता है इनके द्वारा आप लोगों को? तो बोलते हैं कि भैया वो ऐसा है कि वो नल लाइन वाले फिट वाले जो आए हैं वो करके देंगे, हमारे उसका कोई जवाबदारी नहीं है, ये बोल रहे हैं वो लोग जी। तो आप क्या चाहते हो? हम तो वही चाहते हैं, हमको सुरक्षित पानी चाहिए, अगर देते हो तो, नहीं तो बंद कर दिया जाए, क्योंकि हमसे कितने रुपए ले रहे हैं पूरे गाँव ना। बस्ती परेशान है, कितने जगह में ऐसा गड्ढा होगा? अरे बहुत से ऐसे जगह हैं, कहाँ कहाँ देखते बैठे हैं हम, तो अपने मोहल्ले देखेंगे, पड़ोस में देखते हैं, आजू बाजू और देखते हैं। अरे जो अब केनाल जो लगे हैं उस केनाल पे पूरे पूरे मतलब गड्ढे खुले हुए हैं, अब उसमें पानी भरा रहा है, पानी नल से मतलब आगे बढ़ रहा है पानी, अब इसके अब उसी को ऐसा भी लड़के बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं, फिर कैसा करें, लगा रहे हैं। कहाँ रहते हो? धनसुआ, ग्राम धनसुआ जी। क्या समस्या है जी? नल का समस्या है। क्या है नल की समस्या? वो नल लगाए ना तो वहाँ सब कीचड़ हो रही है, पाइप सब फूटे हैं और सब जानवर सब हर जगह जगह में गड्ढे हो गए हैं, और क्या बोलूँ, उसके बाद में पूरे पानी रिटेन हो जाती है अंदर, वही पानी सब बाल बच्चे हम सब पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। क्या चाहते हो आप? शासन प्रशासन से क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं जी, उसको सुधारण करेंगे जी। परिचय? मैं राजेश भौतेकर, वार्ड नंबर 8, धनसुआ, जिला बालाघाट। समस्या है सर, यहाँ पर से पूरी हमारी पाइपलाइन फूटी हुई है। कितने जगहों में? कम से कम 8-10 जगहों में, जिसके वजह से दूषित पानी हमको पीने मिल रहा है, और गाय ढोर भी बांधे जाते उसी जगह में, जिसके कारण हमारे बाल बच्चे जो भी है सब बीमार पड़ रहे हैं, और हम सरपंच और सचिव के पास में समस्या लेके गए हमारी, तो बोलते हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपको जो करना है वो कर लो, इसलिए आज की ये। कौन है सरपंच? प्रमोद बोरकर। सचिव कौन है? सचिव का नाम नहीं पता है, लिल्लारी जी। तो क्या बोलते हैं लोग? ध्यान ही नहीं दे रहे कुछ, 3 महीनों से पाइपलाइन फूटी हुई है, जगह जगह गड्ढे है, दूषित पानी पी रहे हैं जी। तो क्या चाहते हो शासन प्रशासन से? सुधारीकरण हो और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इतने महीने से हमको बीमार पाड़ के रखे यहाँ पर। क्या एक एक समस्या थोड़ी बता सकते हैं? पी रहे इधर वाले, अभी हम समस्या है, फिर और मकान की समस्या कैसे बताऊंगा मैं। बालाघाट जिले से खबर समय जगत के लिए संजय जीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.